अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जा रही है, जिसके फर्स्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ ने एक ज़बरदस्त मुकाबले के बाद इंडिया को डिफीट दे दी है 4 रन से। और लास्ट बॉल पे तक मैच गया। पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने टॉस विन किया था एंड दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। और 149 रन वेस्ट इंडीज़ की टीम ने स्कोर किए फॉर 6 विकेट्स, और इट मींस के 150 रन का टारगेट मिला था इंडियन टीम को, जो कि है कि अपने फुल स्ट्रेंथ से ऑब्वियसली नहीं खेली थी, बट स्टिल चहल वाज देयर एंड हार्दिक पांड्या कैप्टन कर रहे थे टीम को। और शार्दुल ठाकुर, शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, ये अच्छी खासी इंडिया की बैलेंस टीम थी। एंड जो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी वो तो भी ऑल नो, खैर वो T20s अभी भी अच्छा खेलते हैं rather than ODIs and test, but still India की team obviously अच्छी well balanced थी, तो India को win करना चाहिए था। और 150 का target भी कोई इतना बहुत बड़ा नहीं था, तो easily है कि win करना चाहिए था, but India ने win तो obviously नहीं किया, but lose कर दिया है match 4 रन से। तो इसकी इसके बाद obviously Indian media में as always बहुत ही जो है वो क्रिटिसिज्म अगेन शुरू हो गया है, बट आई डोंट बिलीव ऑन दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। इस तरह का नहीं कि एक वक्त में आप तारीफें कर रहे हो और फिर है कि सेकेंड इनिंग में फिर आप उनको मलामत कर रहे हो, बिकॉज इट हैपन्स। ऑब्वियसली इंडिया की यंग साइड थी तो इट हैपन्स, हो जाता है। वेस्ट इंडीज़ का जो अगेंस्ट जो ODI सीरीज़ भी इंडिया ने खेली, उसमें भी है कि सेकेंड मैच इंडिया ने लूज़ किया था, तो फिर बहुत ही क्रिटिसिज्म हो रहा था। बट अगेन आप थर्ड ODI देख लें, इंडिया ने बहुत ही अच्छा खेला, आउट क्लास कर दिया वेस्ट इंडीज़ को, 200 रन से फतह समेटी इंडिया ने। और आई एग्री कि इंडिया को इसी तरह से खेलना चाहिए, जिस तरह से थर्ड ODI इंडिया ने खेला है, इसी तरह से इंडिया को है कि सारे ODIs खेलने चाहिए। बट फर्स्ट ODI में भी है कि इंडिया की बैटिंग थोड़ी सी कोलैप्स करी थी, थोड़ी सी क्या, काफ़ी कोलैप्स करी थी, बट है कि वो जीत गए तो चलो सही है, बट सेकेंड में वो हार गए और गलत ही था, खैर बट इट कैन हैपन इन द गेम ऑफ क्रिकेट, तो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। और फिर थर्ड ODI में हमने देख ही लिया कि दे केम बैक वेरी स्ट्रॉन्ग और 200 रन से डिफीट दी, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने तीनों फील्ड्स में इंडिया की टीम ने। अब है कि T20s में है कि एज आई सेड एज कम्पेयर टू ODIs एंड टेस्ट, T20s वेस्ट इंडीज़ की टीम स्टिल अच्छा खेलती है, तो अच्छा खेला है वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। और इंडिया को है कि 145 पे इंडिया की 9 विकेटें गिरा दी और 4 रन से इंडिया ने मैच लूज़ कर दिया। अगर मैच की समरी पे नज़र डालें तो वेस्ट इंडीज़ के लिए पॉवेल है कि वो टॉप स्कोरर थे विद 48 रन, निकोलस पूरन ने 41 रन स्कोर किए, ब्रैंडन किंग ने 28 रन स्कोर किए। बॉलिंग की अगर इंडिया की बात करें तो चहल ने 2 for 24 उनका स्पेल था, फिगर से उनके इन 3 ओवर्स। अर्शदीप सिंह वॉज एक्सेप्शनल विद 2 विकेट्स विद द कॉस्ट ऑफ 31 रन इन 4 ओवर्स। और कुलदीप यादव ने 1 विकेट को अपने नाम किया 20 रन दे के 4 ओवर्स में। और इंडिया की बैटिंग की जब बारी आई तो तिलक वर्मा ने 39 रन स्कोर किए, ही वॉज टॉप स्कोर। इंडिया का आगाज बहुत ही स्लो था, 5 रन पे पहली विकेट गिरी थी शुभमन गिल की, और 2.2 ओवर्स में जस्ट इंडिया ने 5 रन ही बनाए थे, और फिर उसके बाद शुभमन गिल आउट हो गए थे। तो इंडिया का स्टार्ट बहुत स्लो था, ऐसा नहीं स्टार्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली ईशान किशन एंड शुभमन गिल दोनों बहुत ही टैलेंटेड है, तो इस तरह से उन्हें अच्छा स्टार्ट लेना चाहिए था। एनीवे, सूर्य कुमार यादव द वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैटर, उन्होंने 21 रन स्कोर किए इन 21 बॉल्स, और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं वो। उन्हें टेस्ट में भी मौका दिया गया, उन्हें ODIs में भी मौका मिला, अब T20s में भी, तो उनका जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू है अभी भी T20s में। एनीवेज, सूर्य कुमार यादव ने 21 रन स्कोर किए, हार्दिक पांड्या द कैप्टन ने 19 बॉल्स पे 19 रन स्कोर किए। और बॉलिंग की बात करें तो जैसन होल्डर वॉज माइंड ब्लोइंग, 19 रन के अवज उन्होंने 2 विकेटों को अपने नाम किया। मैकॉय ने 28 रन के अवज 2 विकेटों को अपने नाम किया, और शिफर्ड ने 33 रन के अवज 2 विकेटों को नाम किया अपने। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज दी है वेस्ट इंडीज की टीम ने, और दे डिजर्व दिस, बिकॉज 150 रन का टारगेट, वो भी इंडिया जैसी अच्छी बैटिंग साइड के अगेंस्ट डिफेंड करना, वॉज
ट्रूली रिमार्केबल फॉर देम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. एंड इंडिया के लिए भी नो मैटर इट कैन हैपन, और नेक्स्ट मैचेस में ऑब्वियसली दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट. अल्लाह हाफिज़.